आज छठ पूजा है पूरे बिहार में यूपी के कुछ भागों में बंगाल में छठ पूजा मनाया जा रहा है छठ पूजा का रहस्य क्या है यह जानना चाहिए छठ पूजा में क्या करते हैं हम पानी में खड़े हो के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं भगवान सूर्य को क्यों अर्घ दे रहे हैं इसका अर्थ क्या है यहां से हम कुछ देते हैं सूर्य तक थोड़ी ना पहुंचता है मगर फिर भी हम देते हैं। क्या मतलब क्या इसका अंदरूनी अर्थ समझो सूर्य ना होते तो दुनिया नहीं होती जीवन का जीव का पृथ्वी का संसार का आधार है सूर्य तो वो सूर्य भगवान को अपना कृतज्ञता व्यक्त करना है प्रतिनिध्य सूर्य के अर्घ्य करके ही बाकी सब पूजाएं लोग क्या करते थे और विशेष तौर से एक कार्तिक मास के षष्ठी के दिन सूर्यास्त के वक्त सूर्य को अर्घ्य देते हैं पानी में खड़े होकर के देते हैं जल में खड़े होकर जल प्रेम का प्रतीक है जल का दूसरा शब्द है संस्कृत में आपहा आपहा से आप्त शब्द भी हुआ है आप्त माने हमारे बहुत नजदीक के प्रियजन को भी आप्त बोलते आप्त मित्र कहते कि नहीं ये हमारे आप्त मित्र है माने हमारे बहुत प्रिय मित्र है बहुत खरीबी के है सूर्य भगवान को अपनी खरीबी मानना मैं हमारे अपना हमारा अपना मानना ये इसका उद्देश्य है जल का मतलब यही है आप हृदय पूर्वक उनको कृतज्ञता बताओ जल में खड़ा होना मने क्या एक प्रतीक है प्रेममय भावनाओं से भगवान ने हमको जो जो दिया है उन सबको उनकी को समर्पण करो तो क्या क्या समर्पण करते हैं वो सारी सब्जियां और मिठाई जो कुछ भी हमको भगवान से मिला है, सूर्य भगवान के कारण उपजा है वे सब हम दिखाते आपने ये सब देख के हमारे जीवन को आपने पोषण किया है ये सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कर कहते ना इस भाव से ये सब आपका है आपको हम समर्पण कर रहे हैं इस भाव से पूरे परिवार के जन नदी के तट पर खड़े होके जल में खड़े होके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते इसमें दूध से भी अर्घ्य देते हैं दूध का भी यही है शुभ्रता हमारा हृदय शुभ्र है मन स्वच्छ है इस स्वच्छता के प्रतीक के रूप में हम अपने भाव को भी स्वच्छ रखते हैं तो शुद्ध भाव को समर्पण करते क्यों शुद्ध भाव पर भी अहंकार बढ़ सकता है अरे मेरा भाव सब शुद्ध है नहीं nah, मेरा भाव शुद्ध है मगर इसका भी कारण आप ही हो करके सूर्य को अर्घ्य देने की ये प्रथा है अच्छा आज तो सूर्यास्त में दिए फिर कल सुबह सूर्योदय भी सब जल में खड़े हो करके सूर्य को वो अर्घ्य देते हैं इसमें भाव प्रदान यही है सब मिलजुल करके अपने जीवन का मूल स्रोत क्या है उसको याद करो वह सूर्य ही है सूर्य से ही पृथ्वी सूर्य से ही चंद्रमा सूर्य से ही यहां जो कुछ भी उपजता है और सूर्य से ही बारिश सूर्य ना हो तो पानी नहीं इसलिए जीवन का आधार सूर्य है तो हाथ में जल लेके जो डूबता हुआ या उगता हुआ सूर्य को देखते 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 रहो कितने देर देखोगे कि जितने देर तक हाथ तो अंजलि में जो जल धीरे 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 निकलता उतना देर सूर्य को देखते जाओ तब क्या होता सूर्य की प्रभा सूर्य की शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश होने लगेगी वैसे तो शरीर में सूर्य की शक्ति होती ही है मगर उनको देखने से भी आंखों की जो अपना सेल्स है उससे सूर्य की शक्ति हमारे भीतर पहुंचती है सूर्य से हमको वैसे भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है विटामिन डी ना हो तो आदमी एकदम थके मारे महसूस करता है मन भी ठीक नहीं होता उनको और सन गेजिंग करके आजकल कर बहुत बड़ा ये प्रथा ही चली सब विदेश में देश में तीन मिनट तक सूर्य को देखते रहिए बोलते है, तीन से पांच मिनट उगता हुआ या डूबता हुआ सूर्य को अस्त होता हुआ सूर्य को एक टखा देखते जाइए इससे आपके शरीर को इतनी ताकत मिल जाती है इतनी एनर्जी मिल जाएगी ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं आजकल ये सिद्ध हुआ है सन गेजिंग का ये लोग खाना पीना छोड़ देते हैं बस यही देख करते रहते हैं इससे भी बल मिल जाता है लोगों को तो उपवास रह के व्रत रह करके ये करने का यही मतलब है हमारे शरीर में उस सूर्य की ओज और तेज हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाए हमारे बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए हम स्वस्थ रहे हमारा स्वास्थ्य का भी कारण सूर्य है तो ये छठ पूजा का ये विशेष है कि हम भाव से कृतज्ञ कृतज कृतज्ञता व्यक्त करते कृतकृत्य हो जाते भगवान ईश्वर आपके वजह से हम हैं आप नहीं तो कुछ नहीं है तो आप जो कुछ भी हमारा है वे सब आपके हैं हम भी आपके हैं इस भाव से पूरा परिवार और पूरे समाज के लोग एकत्रित होते हैं ये बहुत सुंदर तरीका इसमें गरीब नहीं अमीर नहीं ऊंच नीची की नीच जाति का कुछ भेद नहीं एक ऐसा त्योहार है बहुत त्योहार होली जैसे त्योहार भी है मगर ये एक ऐसा त्योहार है होली जैसे जिसमें ऊंच नीच जाति पात किसी चीज का कोई भेद नहीं सब मिल के करते हैं If you like this video don't forget to click the like button comment and share subscribe to this channel for more